पूरे देश की नजरें इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत गर्म दिख रही है। दो दिन पहले कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक साथ जब मंच पर आए तो उसने बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया है। लेकिन अब बिहार के राजनेता भी मिशन बंगाल के लिए निकल पड़े हैं। जेडीयू का मिशन बंगाल आज से एक्टिवेट हो गया है, जबकि आरजेडी बंगाल के लिए 30 जनवरी से अपना प्लान को एक्टिवेट करेगी। जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया था कि वह पश्चिम बंगाल चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। विधानसभा चुनाव में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ, इस पर फैसला नहीं किया जा सका है। लेकिन जेडीयू ने अब पश्चिम बंगाल यूनिट के नेताओं के साथ जमीन पर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी इसके लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। आज पश्चिम बंगाल जेडीयू यूनिट के साथ बैठक करेंगे। बैठक में तय किया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जेडीयू आखिर किस रणनीति के साथ आगे बढ़े, किन विधानसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकती है और गठबंधन के लिए उसके पास कौन कौन से विकल्प हैं। उधर जेडीयू के बाद आरजेडी ने भी पश्चिम बंगाल के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। पार्टी के दो बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक 30 जनवरी को कोलकाता जाएंगे। वहां न केवल आरजेडी की इकाई के साथ उनकी बैठक होगी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी से आरजेडी नेताओं की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है।